हमारे साथ मोहसिना किदवई हैं जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, छत्तीसगढ़ से इनका नाता है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बड़ा चेहरा मानी जाती है, मेरे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, ये जो प्रोग्राम आज किया जा रहा है, ये जो उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को हम ये संदेश, ये आपको पता है उपलक्ष्य क्या मालूम है आपको, जवाहरलाल नेहरू की 125वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। ये इस उपलक्ष्य में है कि वो नीतियाँ थे उसको और हम प्रसार प्रचार करो, क्योंकि ये देश सिवाय सिर्फ गांधी की विचारधारा पे ही देश में चल सकता है, क्योंकि देश के लिए जो नेहरू जी ने जो सबसे बड़ी बात हमें सिखाई भाईचारे की। और अगर आप कहें तो मैं कोटेशन देगा, नेहरू ने अपनी एक तकरीर में कहा कि इस देश में हर मजहब के, हर धर्म के, हर तरह के लोग हैं और हर एक को ये आज़ादी है कि वो अपने मजहब को के को माने, जैसे चाहे इबादत करे, जैसा पूजा करे, पाठ करे, नमाज पढ़े, गुरुद्वारा जाए, वो सब है, लेकिन इस देश में किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो मजहब के नाम पे इस देश को बांटे। ये प्रोग्राम किया गया लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया, इसके पीछे क्या कारण है? इसमें कोई तो हमारी पार्टी का प्रोग्राम है और जो तो बुलाया उसको जाता है जो उस शख्स की इज्जत करे जो आप दुनिया में नहीं है। और नेहरू हिंदुस्तान का मेहमान है, टिकट फॉरन इंडिया में हो, तो अगर आप उनको मानते ही वो उनके लिए गलत बात करना तो उनको यहाँ आने से भी कोई फायदा नहीं। ये तो हमारी पार्टी का प्रोग्राम है। छत्तीसगढ़ में जो हादसा हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो देख चुकना सबसे पहले हुआ, देखिए ये बहुत ही इनह्यूमन चीज है और इसके लिए आप जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर उनका इस्तीफा और मोदी जी से हम ये उम्मीद करते थे कि वो वहाँ से टेलीफोन करके अपनी सरकार से कहेंगे कि हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा फौरन लीजिए आप, ये कड़ी कार्रवाई नहीं। पहले यही मिनिस्टर थे हेल्थ मिनिस्टर और आई कैंप लगाया था तो 25 लोगों की जाने चली गई और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उनके खिलाफ उनको सस्पेंड कर दिया और 3 महीने के बाद सारे ऑफिसर्स बाहर हो गए। तो अगर ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि अब उस आवाम के साथ धोखा है कि जिसने उनको सरकार। नेपाल से राम यात्रा निकाली जा रही है, यूपी में भी यात्रा की जाएगी, कहीं ना कहीं ये सुनने आपको आपसे बातचीत करने की ऐसी बात है जहाँ विचारधारा ही ना मिले, वहाँ संबंध कैसा, और अगर संबंध बन भी जाए तो संबंध कितना प्रगाढ़ होगा। अब ऐसे में दो पार्टी की बात करें, बीजेपी या कांग्रेस, दोनों विपक्ष की पार्टियां हैं लेकिन दोनों अलग अलग होकर एक साथ एक मंच पर कैसे खड़े, शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी को न्योता न दिया गया इस इतने बड़े समारोह में। कैमरामैन अनु के साथ प्रियंका सिंह, जीएसटीवी, दिल्ली।